देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी में आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों। प्रभारी वर्षों से डॉक्टर के नाम पर कर रहे हैं धनुकाही। रायबरेली बछरावा नगर से लेकर विकास खंड में झोला छाप डॉक्टर और अनट्रेन लड़के व लड़कियां नर्सिंग होम में बगैर डिग्री डिप्लोमा के इलाज करते देखे जा रहे हैं। वहीं गरीब असहाय इन सच्ची समाज सेवा करने वाले समाज सेवी एवं पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजकुमार ने अपनी आप बीती में बताया कि बछरावा CSC में बरसों से तैनात डॉक्टर प्रभात के द्वारा गरीबों को बाहर से दवा लिखना और जाँच केंद्र अपने रिश्तेदार को खुलवाकर DLS के नाम पर जांच करवाना और नगर में तराजू मंडी के पास नर्सिंग होम खुलवाकर इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आए मरीजों को भेजने के लिए विवश करना, यह सब आम बात हो। वहीं बछरावा के CSC प्रभारी ने इन झोला छाप डॉक्टरों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। कब जाएगा स्वास्थ्य विभाग और कब जिले के CMO इन वर्षों से जमे डॉक्टरों पर करेंगे कार्यवाही और कब मिलेगी ग्रामीणों को झोला छाप डॉक्टरों के मकर जाल से, यह प्रश्न बना हुआ है। देखिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए राम सुमेर की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? नीलम यादव। क्या नाम? नीलम यादव। किस गांव में रहती हो? बल्दीखेड़ा। आपका क्या घटना हुई थी आपके यहाँ? घटना हमारे हस्बैंड की हुई थी, उनको सीने में दर्द थी। हाँ। हम दवा के लिए जलाल खेड़ा भेजे गुड्डू डॉक्टर के पास, उनका साला ले गया जी दवा करवाने जी। उसके बाद सीना के दर्द में उन्होंने इंजेक्शन दिया और ग्लूकोज लगाया जी। उसके बाद उनका दर्द नहीं कवर हुआ जी। फिर हमने फोन किया, बात किया, फिर यहाँ से हम बछरावा ले गए जी। साथ में गुड्डू डॉक्टर भी गए जी। सिर्फ सड़क पर से वो सावित्री हॉस्पिटल के अंदर गए हैं, बस वहाँ कोई इलाज नहीं हो पाया। ये दवा अपने पास रखते हैं क्या डॉक्टर? ये दवा बछरावा सरकारी अस्पताल से लाते हैं, वहाँ के डॉक्टर उनके पास आते जाते हैं। अच्छा, तो ये मतलब दवा वहाँ से ला के यहाँ जो है लोगों को देते, हैं, और उनसे पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। ठीक। आपका क्या नाम है भैया? राघवेंद्र सर। कहाँ के रहने वाले? कहना सर। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे गांव में कल राम शंकर डॉक्टर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं प्रभाग डॉक्टर से मिलके गुड्डू डॉक्टर और हम प्रभाग डॉक्टर के पास गए थे। हम जो हमें करना था हमने उनको ले दे के पूरा हिसाब कर दिया, बहुत से कोई हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। कहाँ ये किस डॉक्टर के पास गए थे? राम शंकर डॉक्टर, प्रभाग डॉक्टर के पास गए थे। ये कहाँ? बछरावा। ये कहाँ के डॉक्टर हैं? बछरावा के सरकारी अस्पताल के। सरकारी अस्पताल के? हाँ, प्रभाग डॉक्टर। तो क्या कह रहे थे ये? ये कह रहे थे हमने जो लेना देना था हमने दे दिया, अब हमारा कोई भौंसे कुछ नहीं कर पाया, हम जैसे दवा कर रहे हैं तो वैसे ही करेंगे। पानासक डॉक्टर, रामशंकर डॉक्टर। अच्छा, रामशंकर और? रामशंकर गुड्डू डॉक्टर, दोनों लोग? दोनों लोग, लेकिन गुड्डू डॉक्टर नहीं आए थे, रामशंकर डॉक्टर आए थे हमारे यहाँ। अच्छा, इन्होंने कहा था रामशंकर डॉक्टर। अच्छा अच्छा, ठीक। भाई साहब आपका क्या नाम है? राम कुमार यादव, पूर्व पंचायत सदस्य, विकास खंड बछरावा, ग्राम सभा मलपुर जी। और उतराहपुरवा गांव है हमारा, कागज़ पे ठोराई खिला लिखा जाता है। बछरावा हॉस्पिटल के विषय में आपका क्या कहना है? अरे बछरावा हॉस्पिटल में तो भाई साहब हम एक बार अपनी औरत को लेकर के आए थे जी, तो उनके डॉक्टर साहब ने बताया कि डेंगू हो गया है। कौन से डॉक्टर साहब? एक प्रभात कहते हैं, प्रभात मिश्रा शायद बोलते हैं उनको, हमसे ज़्यादा परिचित नहीं है लेकिन जी उनको जानते पहचानते भली बात जानते हैं। उन्होंने बताया कि उनके डेंगू हो गया, हमारा कोई प्राइवेट अस्पताल है वहाँ पिक्चर हॉल पे तरबूज मंडी के पास है, तो वहाँ लेकर के जाओ, 20-35 हज़ार रुपया लगेगा, उसमें ठीक हो जाएंगे जी। लेकिन हम वहाँ ले जाने के लिए बड़े चिंतित गेट के सामने खड़े हुए थे, तो हरदोई के एक पिंटू चौधरी है अस्पताल में रहते हैं, वो हमारे बड़े भाई के मित्र थे जी, तो उन्हें हमारे बड़े भाई के परिचय से हमने पूछा कि राम कुमार क्या दिक्कत, हमने बताया भैया ये यदि हमको दिक्कत है, कहना ऐसा करो तुमको दिक्कत है तो इनको चलो हम देखते हैं, तो हम इनको यही इलाज करवा देंगे अस्पताल में। तो वो ले जा करके 2-3 दिन चढ़वाया, ग्लूकोज चढ़वाया, तो हमारी औरत यहीं ठीक हो गई है, ठीक हो गई, और वो हमारे एक तरफ से समझो भगवान हो गए, हमारा 30-35 हज़ार बच गया जी। इसी तरह से लेकर के हमारा वहाँ सरकारी अस्पताल में जाने की हमारी हिम्मत नहीं कहती, कुल मिला के वहाँ मरीजों को सहयोग नहीं मिलता है। आप तो सामाजिक आदमी हैं जी भाई, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं जी भाई साहब, आपको तो सरकारी अस्पताल में
गरीबों का लाभ दिलाना चाहिए आपको। ले जाते हैं भैया, लेकिन वहाँ अभी हाल में एक आदमी को ले गए थे एक्सरा कराने के लिए, तो वहाँ डॉक्टर साहब ने बताया कि वो एक्सरा वाली मशीन ख़राब है। तो हमने कहा साहब कितने दिन से ख़राब, कहीं डेढ़ दो महीना हो गया। अरे हमने कहा साहब डेढ़ दो महीना हो गया, अभी एक्सरा वाली मशीन बन के नहीं आई। तो उन्होंने ये बताया कि अरे क्या करें, वो मशीन ख़राब बनी बन के नहीं आई, हम लोग प्राइवेट मशीन एक रखे थे तो उसका पैसा वैसा नहीं दे पाए, तो वो मशीन उसी लेकर के चला गया। तो हमने अपने विधायक जी को फ़ोन किया, तो विधायक जी ने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर कौन से विधायक जी को, एक रामेश रावत हैं मौजूदा विधायक हैं जी, तो उन्होंने सपोर्ट किया, हेल्प किया, तो डॉक्टर साहब को फ़ोन किया जी। तो वो जो बाहर से दवा लिखे थे उसको वापस करवा के फिर अपने वहाँ से दवा उस मरीज को दिए। वो मरीज था पानासा के बगल में है, एक सुबन सखेड़ा गांव का है जी, बैजनाथ लोधी जी। तो उसको दवा दिए, अभी उसका दवा चल रहा है, लेकिन एक्सरा कराने की बात चल रही थी, लेकिन जब मशीनें नहीं सही तो वही दवा से भी उसका दर्द के लिए दवा दे दिए थे। तो दवा कहाँ से, अस्पताल से मिली थी कि बाहर से दी गई? नहीं, पहले तो बाहर से लिख दिए थे, वो ले आया था, लेकिन बाद में जब विधायक जी ने फ़ोन किया तो दवा वापस करके तो अस्पताल के अंदर से दवा दिए जी। धन्यवाद।